आम आदमी पार्टी अर्निया तरेवा और ये दो ऐसे नाम है कि आप लोगों ने बड़े हाई आम आदमी पार्टी और तो में काफी जोश रहता है क्योंकि ये लोग कभी पीछे नहीं हटते, एक सिपाही बनकर काम करते हैं। आई भारत माता की, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले खजुरिया जी, राजकुमार निचल जी, देन धोनी जी, देन संसार जी, देन संदीप जी, अल्ताफ जी और आप लोग सभी यहाँ पर बैठे, आपको दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने देखा इन 5-6 दिनों में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिजली को लेकर, बिजली और पानी को लेकर प्रोटेस्ट कितने हो रहे हैं, आप मानते कि नहीं हो? मानते हैं ना? यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा है, बिजली पानी सड़क डेवलपमेंट। हमारा युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, इवन की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए, कहीं पे नहीं, इसका कारण क्या मैं हूं? हाँ या ना? और अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, जोरदार तालियां अरविंद केजरीवाल जी के लिए। मुबारक है आप सब इतनी गर्मी में अपना काम छोड़ के, खेती बाड़ी का काम छोड़ के उनके साथ था। मेरे ख्याल नाल अही अपनी लोगों का शायद गल करिए वो वधिया है ना। नरेंद्र मोदी ने तुहानू सारयां नू कहा जदों सरकार बनी सारयां कोल 15-15 लाख रुपया आया। किन्नू किन्नू मिलिया 15-15 लाख? नहीं मिलिया। आज देश बांग्लादेश में भी गरीब फोन की कगार से है। नरेंद्र मोदी आज यूरोप के टूर से जाने की तैयारी कर ली, उन्होंने वो यूरोप वाले पास से जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पता देश के हालात कहो जे ने, इसलिए उन्होंने देश रुकना सी, देश के हालात ठीक करने ही, लेकिन उन्होंने मौका मिल गया, कोरोना काल खत्म होया ते जनाब जहाज से बैठे बाहर निकल तैयारी कर। उन्होंने नहीं पता कि देश के बच्चों की हालात, इस कोरोना काल के बाद बिजनेसमैन का की हाल है, साडे किसानों का की हाल है, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का की हाल है। पिछले दिन 370 टूटने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जम्मू आए, रैली की 250-300 करोड़ रुपया खर्च किया रैली में, पर मुंह चू नहीं निकलिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों वास्ते कोई नौकरियों का बंदोबस्त कर दिया, जम्मू कश्मीर के किसानों वास्ते कोई पैकेज घोषित कर दिया। नहीं, सिर्फ और सिर्फ लुट खसुट। पहले लोग कहते ही बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी नाल ने, हुण शामी उन्हां दा भी फोन आता है, भाजी बचा लो बचा लो सानू, नरेंद्र मोदी ने साडा भी बेड़ा कर दिता। अहीं आम आदमी पार्टी दे नाल आ, जेकर अहीं खुल के तुहाडे नाल आए ते साडे बिजनेस जिहड़े माड़ा मोटा चलदा पिया इहनां ने उह भी ताला ला लैणा, इस करके असीं अंदर खाते तुहाडे नाल। बजुर्गां नाल जिस तरीके का अत्याचार नोटबंदी के दौरान होया, लोग लाइनों से खड़ोते रहे, नरेंद्र मोदी पार्टियां करते रहे, रैलियां करते रहे, कोरोना काल लोग अपने बच्चों दियां अपने बुजुर्गों दियां लाशां ढोंदे रहे ते नरेंद्र मोदी भाषण देंदे रहे। मैं जम्मू की गल करा, असीं मंगियां नौकरियां ते मिलियां वाइन शापां। मानसर वाले पासे लोगों ने प्रदर्शन किया कि सानू वाइन छापा नहीं चाहिए, सानू इतने वाइन छाप नहीं चाहिए, सानू वधिया हॉस्पिटल चाहिए, पर दिती की वाइन छाप जबरदस्ती वाइन छाप खोल दी, शराब की दुकान खोल दी। इन्हों पता है
जेकर लोगों नशे च रखना लोग साडे खिलाफ आवाज ना चुकन ते शराब पी के जिसने बंदा घर जाता है ते पीपे च आटा नहीं होंदा जनानी पुछदी है भाई दड़ी ला के आया कि नहीं वो भी गल चुगल दे लैंदा उसदे ठेके ते शराब मिल गई है ते जनानी की गल की सुननी है घर च कलेश ते कलेश का कारण बीजेपी इस बीजेपी ने जड़ा मनसूबा बनाया जड़ा प्लान बनाया तो लोगों गुलामी की जिंदगी जीन का वो बर्दाश्त नहीं करना। मैं तुम्हें एक गल दस दिया 5 किलो राशन देने की गल की जड़ा राशन का पोस्टर है पोस्टर की कीमत 10,000 पोस्टर के उपर बड़ा वड्डा नरेंद्र मोदी जी का फोटो ओदे थले रविंदर राणे का फोटो ओदे थले विक्रम रंधावे का फोटो ओदे थले दो तीन फोटो हो ते कणक की बोरी लाउंदी इन्हां नूं पता है इन्हां नूं पता है जम्मू कश्मीर के लोगों जिन्ना मर्जी लुटो सवेरे इन्हां च गुस्सा हुंदा है शामी भुल जांदे ने। मानिए इतनी तालियां इतनी जोर से होनी चाहिए कि उसकी असीं तरक्की दे राह ते तुरांगे ते कीता जी अज तुहाडे घरां दे विच गैस सिलेंडर भरा जोगे पैसे मैं अच्छ सवेरे खबर पढ़ी है कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपया महंगा करता है हूँ जो 250 रुपया कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होया तो जे तुम कोई चीज लैन जाओगे उन्हें सस्ती थोड़ी देनी है रोज पेट्रोल महंगा हो रहा रोज डीजल महंगा हो रहा रोज राशन महंगा हो रहा तो नरेंद्र मोदी टूर ते टूर ला रहे रैलियां ते रैलियां कर रहे एक साढ़े को जोकर है रविंदर रैणा उन्होंने कोई गल पूछ लो अस बिजली फ्री देंगे अस जनानी की 1,000 रुपया देंगे ते जिसले नरेंद्र मोदी इतने आए ना तो उन्होंने उसकी गल से मोहर लाई तो ना उस जोकर को अपने कोल फरमाया वो जोकर थले बैठा सी फोटो वायरल होया उसका हूँ पिछले दिन कल की गल है किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया रविंदर राणा जी आपने बिजली और पानी के लिए कहा था कैसे देंगे लोगों को उठे पैरी नस गया झूठ दे पैर नहीं होंगे इसे करके ना बीजेपी वाले भी कोई पैर नहीं जे तुहानू लुटिया तुहानू दबाया कल परसों की गल है एक लेडी पत्रकार एक कुड़ी पत्रकार यूनिवर्सिटी में कवरेज दी गई ते डिप्टी सीएम का पुत्र उस कुड़ी को धक्का मारे अहीं दब के समर्थन किया अहीं सपोर्ट की है तो उस डिप्टी सीएम के पुत्र नू आके माफी मंगनी पई उस कुड़ी अहीं जानदे आ आम आदमी पार्टी जानती है इन्हां लोकां तों काम किवें लैणा है इन्हां भूतड़े दे फैलन नूं सा किवें पाउणा सानूं पता है ते मैं अज तुहानूं इह गल कह रिहा जेकर तुसीं आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर च चाहुंदे हो ते मेरे नाल इनकलाब दे 3 नारे लाने ने क्योंकि इनकलाब तों ही गल शुरू होणी है इनकलाब 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 आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी धन्यवाद जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं मीतू राजपूत जी और उनके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जब हम यहां पहली बार आए थे और आज साल भर के बाद ही हम आज वो हालात यहां पे देख रहे हैं बहुत ही अच्छा हालात है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो जरूरी बुनियादी मुद्दे जो हैं जो मसले हैं वो आज तक हल यहाँ की सरकारों ने नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 7 सालों में करके दिखा दिया। वो सभी बुनियादी मसले चाहे वो सड़क हो चाहे स्वास्थ्य हो शिक्षा हो चाहे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो वहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था है वहाँ पे लोगों को पानी का व्यवस्था है वहाँ पे बिजली का व्यवस्था है इन सबों पे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। 2014 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो वहाँ भी ऐसे ही हालात थे जैसे आज जम्मू कश्मीर के अंदर है लेकिन 7 सालों में उन्होंने बिजली पे आज बहुत बेहतर काम किया। आज 24 घंटे बिजली आती है बिना कट का बिजली आती है जबकि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 28 हाइड्रोलिक प्लांट है जो कि यहाँ पे बिजली पैदा करती है लेकिन दिल्ली में हम बिजली को खरीदते हैं और ख़रीद करके मुफ्त में देते हैं यहाँ जबकि ऑलरेडी पैदा होता है यहाँ तो और सुविधा ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था लेकिन इन पे आज तक यहाँ के लोगों का यहाँ के सरकारों का ये सोच ही नहीं रहा कि जो यहाँ के लोग उनको वोट देकर के सरकार बनाते हैं उन लोगों की सुविधाओं का ख्याल
उनको रखना चाहिए था जो उन्होंने नहीं रखा है। मैंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। जम्मू कश्मीर के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं 2014 के बाद, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हो गए, हम कहां से कहां आ गए। लोगों की प्रमोशन होती है, हमारी डी प्रमोशन हो गई। हम यूटी में रह रहे हैं, हम तो आर्टिकल 370 के अंदर रह रहे थे, स्पेशल स्टेटस के अंदर रह रहे थे, मगर हमें यूटी में आ गए और हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी हमारे जम्मू कश्मीर में क्रिएट की गई, और ये क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स जो हैं उनका कोई ना कोई सलूशन निकल सकता है, सॉर्ट आउट, मगर हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई सलूशन निकालने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया। और हमने केजरीवाल साहब को, मैं जो पिछले 2014 से मैं उनको सोशल मीडिया में जो फॉलोअप कर रही थी कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत और मतलब कठिन मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद उन्होंने दिल्ली में आए, उनके अंदर जो क्रांति आई, हर इंसान के अंदर क्रांति कब आती है, क्रांति घर से शुरू होती है। जब वो बचपन में वो पढ़ रहे थे तो पढ़ते हुए उनके घर का एक बिल आया और उनके घर की बिजली कट गई, तो उनके अंदर उस वक्त एक छोटे बच्चे के अंदर एक क्रांति आ गई कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं सबसे पहले मेरे जैसे गरीब लोगों की बिजली को मैं माफ़ करूंगा। तो वही क्रांति जो है भगत सिंह जी के अंदर आई, वही क्रांति जो है हमारे ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जी, हमारे जनरल जोरावर सिंह जी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, इन सब लोगों के अंदर क्रांति आई। तो उसी प्रकार जो है इन सब लोगों को मैं फॉलोअप करती हूँ, फॉलोअप करते करते मेरे अंदर भी एक क्रांति आई कि मुझे आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए, जो कि एक आम इंसान को लेके चल रही है, एक मिडिल क्लास लोगों को चल रही है। इसमें ये नहीं है कि एक मंत्री का बेटा है उसी को पद मिलेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा है उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे एक आम इंसान, सड़क चलते हुए आम इंसान को केजरीवाल साहब ने इतनी बड़ी कुर्सी पे ला के खड़ा कर दिया, और लोगों ने भी सहयोग दिया क्योंकि लोगों ने सहा। जैसे आप जम्मू कश्मीर में एक लहर क्या, मैं तो कहूँगी सुनामी, अब जो हमारी आम आदमी पार्टी है एक सुनामी बन के आ गई है जम्मू कश्मीर में। अब चेंज होगा क्योंकि चेंज ये कुदरत का नियम है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हमारी कुदरत जो है उसका भी यही कहना है कि आप जम्मू कश्मीर के हालात में चेंज होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और वो बदलाव कौन है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की आवाज़ बनेगी, और मैं सारे हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों को यही अपील करती हूँ, मैसेज देती हूँ कि आप लोग, आम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, आइए और आम आदमी पार्टी का हाथ दामन पकड़िए और उनको एक बार सरकार चलाने का मौका दीजिए। जो आने वाली सरकार है वो आम आदमी पार्टी की होगी, 100% सीटें लेके जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो सामने उभर के आएगी, क्योंकि इस पार्टी के अंदर धर्म